महाराष्ट्र के चंद्रपुर के बल्लारशाह शहर में बीती रात 3 दुकानों में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। चोरों ने बड़े नायाब तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बिना ताला तोड़े ही चोरों ने दुकान में घुसकर दुकानों में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर बड़े ही शातिर तरीके से शटर के निचले हिस्से को मोड़ते हैं और एक व्यक्ति अंदर घुस के ऐसी जगह बनाते हैं और दुकान में घुसकर बड़े ही आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता। बिना ताला तोड़े और ना ही कोई औजार का इस्तेमाल किए चोरों के इस नायाब तरीकों को देखकर हर कोई हैरान है। चोरों ने शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पूर्ति सुपर बाजार, गजानन सुपर बाजार और प्रतीक मेडिकल स्टोर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो मामले का खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में करीब 1 से 1.5 लाख की चोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस प्रकार चोरी का मोड इससे पहले तेलंगाना में देखा गया था और इस शटर गैंग के तार भी तेलंगाना से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। चोरों ने सबसे पहले सुबह करीब 4:30 बजे शहर के मुख्य मार्ग पर ठीक बस स्टैंड से सटे हुए समाधानपुर बाजार को अपना निशाना बनाया। यहां लोगों की चहल पहल के बावजूद बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने दुकान के शटर को बीच से मोड़कर दुकान में घुसकर दुकान के गल्ले में रखे रुपयों पर हाथ साफ किया। उसके बाद चोरों ने पास ही के वेंकटेश एम्पायर में स्थित गजानन सुपर बाजार और प्रतीक मेडिकल में भी इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया। खास बात यह है कि चोरों ने दुकान के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ गल्ले में रखे रुपयों पर ही हाथ साफ किया है। पुलिस रात भर शहर में गश्त लगाती रहती है, इसलिए शातिर चोरों ने सुबह तड़के जब पुलिस की गश्त खत्म हो जाती है वही समय चुना। हालांकि सुबह 4 बजे से ही शहर में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है और ये बस स्टैंड का परिसर होने के कारण निजी टैक्सियों की भी भीड़ यहां सुबह से लग जाती है। इसके बावजूद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी की फुटेज की मदद से चोरों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। बल्लारपुर के थानेदार उमेश पाटिल ने बताया कि इस प्रकार की मोडस इससे पहले तेलंगाना में देखी गई थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस शटर गैंग के तार भी तेलंगाना गैंग से जुड़े हो सकते हैं। शहर में हुई इस प्रकार की चोरी की घटना से अब शहर के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। मैं रविंद्र फुलजले, प्रोपराइटर गजानन सुपर बाजार। रोज की तरह सुबह 9:30 बजे दुकान खोलने के लिए जब यहाँ आए, उस समय शटर जो है दुकान का वो आधे से ज़्यादा ऐसा उठा हुआ था, जिसके माध्यम से यह ऐसा ख्याल में आया है कि दुकान शटर खोल के चोर अंदर घुसे हैं और चोरी उन्होंने की है। पर पुलिस ने हमें बताया है कि डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को हम बुला रहे हैं, इसलिए हमने पूरी तरीके से दुकान की तलाश नहीं ली है, इसलिए एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते कि नुकसान कितना हुआ। पर साथ ही हमारे ही कॉम्प्लेक्स में एक प्रतीक मेडिकल करके दुकान है, उनका भी दुकान तोड़ने का, शटर खोल के अंदर घुसने का प्रयत्न किया गया है। और सुनने में आया है कि और एक सुपर बाजार है जिसका भी शटर यहाँ पे खोल तोड़ के अंदर घुसने का और चोरी करने का प्रयास किया गया है। पुलिस थानेदार श्रीमान पाटिल साहब यहाँ आके गए हैं और उन्होंने हमें ये बताया है कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होती है और तलाशी नहीं होती है, तब तक आप दुकान पूरी तरीके से ना खुली है। और समाधानपुर से एक रवि फुल जिले का, उसके बाजू का जो है ना, उसको शटर में ये क्या होता है, और जो शटर है ना वो हाथ से किया उन्होंने, कोई ये नहीं, ये यूज नहीं किया। और गश्त कर्मचारी वापस आने के बाद चोरी हो गया और रात में बारिश भी था, बारिश होने की वजह से जो अपना काली पीली वाले रहते हैं दुकान के सामने, वो भी रात में आए नहीं, उसका उन्होंने फ़ायदा लेके वो चोरी किया है। अभी जो फुटेज है, फुटेज के जरिए हम उसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, अभी मालूम हो जाएगा कि जो अपराधी है कहाँ पर। प्रकार की चोरी अपने गांव में तो नहीं हुई, लेकिन इसका जो मोडस है ये नया मोडस है, ये तो ये तेलंगाना साइड के हो सकते हैं, या फिर हम उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये प्रकार के जो मोडस है वो तेलंगाना में है। आज आम्ही सकाळी आलो तेव्हा आमच्या दुकानाचं शटर हे बळजबरीने वर उचलण्यात आलं होतं आणि त्यातनं चोर आतमध्ये शिरले व आतमधून काही गल्ला फोडण्यात आला आहे आणि बऱ्याचपैकी नुकसान केलेलं आहे। तर सध्या आम्ही पोलिसची वाट पाहतो आहे, पोलीस येऊन गेली आहे आणि समोर तपासणीसाठी आम्ही थांबलो आहे। तर नंतर तपासणीनंतर पूर्ण कळेल की नेमकं किती नुकसान झालं आहे ते। आणि आमच्याच लागून एक मेडिकल स्टोर आहे, तिथेसुद्धा त्यांनी शटर भरती उचलून चोरीचा धाडस केला आहे। तसेच लागून समाधानपूर्ती सुपर बाजार आहे, त्याचंसुद्धा शटर त्यांनी तोडलं आहे। पोलीस तपास यंत्रणा पूर्ण संपल्या झाल्यावर कळेल की निश्चित आमचं नुकसान किती झालं। बल्लारपूर से
बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताड़े की स्पेशल रिपोर्ट।